हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। त्योहारों के सीजन के बीच 100 रुपए से अधिक महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर। बता दें कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने त्योहारों के सीजन के बीच 1 नवंबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें 100 रुपए से अधिक बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1833 रुपए, कोलकाता में 1943 रुपए, मुंबई में 1785 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1999 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि बीते महीने ही 209 रुपए तक कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया था। विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी बांग्लादेश। पाकिस्तान ने हराया। बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया और बांग्लादेश वनडे विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। बांग्लादेश 45.1 ओवर में 204 रन पर ऑल आउट हुआ था और पाकिस्तान ने 32.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुँच गया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान का बढ़ाया समय। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को होने वाला मतदान 9 घंटे के बजाय 11 घंटे का होगा। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। सीएम नीतीश कुमार के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के विरोध में अदालत जाएंगे जीतन राम मांझी। बता दें कि बिहार के पटना में आगामी 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के विरोध में हम के संरक्षक जीतन राम मांझी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन करेंगे। मांझी ने एक्स पर इस अभ्यर्थी अदालत को लेकर लिखा कि हम सब मिलकर शिक्षक नियुक्ति घोटाले पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि 25,000 चयनित अभ्यर्थियों को पटना के इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने कहा, धार्मिक स्थलों के 150 मीटर के दायरे में नहीं होगी मांस की कोई भी दुकान। बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने मांस की दुकानों के लिए नए लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े हुई एक नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य किसी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच कम से कम 150 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। MCD के सदन में हंगामे के बीच ये प्रस्ताव पारित हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ओडिशा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और मंत्रियों, विधायकों व सांसदों की उपस्थिति में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। दास को 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया था। दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बने बिल गेट्स के पूर्व असिस्टेंट स्टीव। 4थे स्थान पर है बिल गेट्स। बता दें कि ब्लूमबर्ग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स के पूर्व असिस्टेंट स्टीव बॉलमर 117 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बिल गेट्स वर्तमान में 122 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 4थे सबसे अमीर शख्स हैं। गेट्स ने बॉलमर को 1980 में बिजनेस मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया था। स्टीव बॉलमर 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO रह चुके हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।